अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन रोड, ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर के काम में तेजी लाते हुए इन्हें समय सीमा में पूर्ण करें। काम धीमा होने से लोगों को परेशानी होती है, व्यवस्था सुधारते हुए तेजी से काम करवाएं, लेट लतीफी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य पूर्ण करने में आ रही दिक्कतों का तत्परता से समाधान निकालें, इसके कारण काम पूरा होने में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि सड़क पर ट्रैफिक और उपयोगिता को ध्यान में रखकर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम करें। एक बार फिर से हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, यहां पर डिप्टी सीएम ने जो साफ निर्देश दिए हैं कि काम में लापरवाही और देरी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, तो ये साफ साफ संदेश उन्होंने दिया है, क्या कुछ और उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? हेमंत, देखिए दीपक, विभागों का जिम्मा संभालने के बाद मंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपने अपने विभागों को लेकर। चूंकि 5 फरवरी से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, सरकार का पहला बजट आना है, तो उस हिसाब से भी तैयारी मंत्रियों की चल रही है। जो पीडब्ल्यूडी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं अरुण साव, वो अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है पीडब्ल्यूडी, सड़क से जुड़ा ये विभाग है, उसको लेकर समीक्षा लगातार हो रही है। तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, इंजीनियरों को बुलाया गया है, और खासतौर पर जो काम अधूरा रहा है कांग्रेस सरकार के दौरान, उसे पूरा करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो जहां पर सड़क का मरम्मत करना है उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और बैठक में स्पष्ट तौर पर अरुण साव ने कहा है कि कार्य पूर्णता के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा, यानी जो तय सीमा है, अगर ठेकेदार तय सीमा के अंतर्गत वो काम नहीं करता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई उन पर होगी। और काम में देरी होने पर ठेकेदार तो नपेंगे ही, उन पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन अधिकारी भी इससे सचेत रहे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो बेहद तल्ख लफ्जों में ये अरुण साव ने बैठक के दौरान अधिकारियों से यह बात कही है। इसके साथ साथ जो बड़ी परियोजना है उनका काम हर चरण में पूरा करने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, और काम पूरा होते ही ठेकेदारों को त्वरित भुगतान के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। चूंकि दीपक, पिछली सरकार में ये तमाम तरह के आरोप लगते थे कि ठेकेदार अपना काम तो कर चुके हैं लेकिन उनको भुगतान नहीं होता था, भुगतान कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो इसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अगर ठेकेदार तय सीमा से वहां पर काम कर रहे हैं तो उनको भुगतान समय पर कर दिया जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका हेमंत।